Assalamualaikum, I'm Munim Akhtar with a new topic which is computer networks. Computer networks का जहाँ तक तलक है तो इसमें आप जब एक या एक से ज़्यादा computers को आपस में connect करते हैं for the sharing of information is called networks. Let's discuss the definitions. A computer network is a set of two or more computers connected together in order to share informations and other resources. Information means कि when you want to browse or data with the help of internet is called sharing of information and other resources just like आप files share कर रहे हैं या आप लोग कोई भी और जो है वो आपने data लेना है या देना है तो is called other resources. The computer in a network are connected with one another through cables, satellites or telephone lines. तो अब जब तक हम इसकी connectivity को देखें तो if we are using you can say fiber optics, तो fiber optics is the cables as well as concerned with the telephone or you can say smartphones. So our smartphones are connected with the satellites and wireless links. We can connect a computer with two-way, one is wired and one is wireless. Wired means कि आपके पास proper wire लगाई गई है and wireless means just like आप mobile phone use कर रहे हैं तो उसमें mobility आ जाती है, wired में आपकी mobility नहीं होती. Let's discuss the advantages of the computers. Advantages of computer का जहाँ तक तल्लक है computer can communicate with each other easily. आप जब एक से ज़्यादा computer को connect कर देते हैं तो उसमें आप कोई भी information जो है वो easily share कर सकते हैं. Computers can share data and files. अब इसमें आप लोग voice messaging कर रहे हैं या text messaging कर रहे हैं या आप लोग एक दूसरे के साथ कोई files हैं वो share कर रही हैं तो वो भी आपके पास due to all is called networking. Third point is computing power and or storing facility can be shared. बहुत अच्छी बात है कि जब आप लोग जो है कोई भी फाइल शेयर करते हैं या if you want to access from the internet side, suppose you want to get a PowerPoint file from the internet side, just open the browser and write down your keywords. कि मुझे जो है MS Word की जो है वो फाइल चाहिए या अब मुझे PowerPoint चाहिए नेटवर्किंग फाइल इन PowerPoint, तो आपको नेटवर्किंग से रिलेटेड PowerPoint की फाइल में जो है वो डाटा फार्म से शेयर हो जाएगा. Hardware such as printer can be shared. अब suppose if you are working in an organization as you can see in a pic कि आपके पास देखें आपके पास फ़ोन्स भी हैं, ये एक मशीन बॉक्स पर पड़ा होता है, ये बॉक्स इज़ कॉल्ड प्रिंटर. तो आप जो ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंट में एक प्रिंटर जो है मल्टी सिस्टम के साथ कनेक्ट करके वहाँ से आप लोग प्रिंट ले सकते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट ड्यू टू द कंप्यूटर नेटवर्क. दिस देयर इज़ कंट्रोल ओवर विच प्रोग्राम्स डाटा एंड हार्डवेयर अ यूज़र हैज़ एक्सेस टू. अनदर बहुत खूबसूरत बात है कि आप अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप लोग चाहते हैं यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट सम यूज़र कि डोंट एक्सेस द पर्टिकुलर फाइल्स और डोंट एक्सेस द पर्टिकुलर प्रोग्राम्स, तो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग ईजीली आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उस यूज़र को. वो यूज़र सिस्टम को यूज़ करेगा बट दोज प्रोग्राम कांट बी एक्सेस और कांट बी यू कैन से आर रन द पर्टिकुलर प्रोग्राम्स. तो इस तरीके से आप कर सकते हैं. डिसएडवांटेजेस क्या हैं? वायरसेस कि जब आपके पास इंटरनेट में कनेक्टेड होते हैं तो आपके सिस्टम में वायरसेस की जो है रेजिडेंसी वो ज़्यादा हो जाती है, इजीली शेयर हो जाते हैं. और डाटा शेयर देयर इज़ अ ग्रेटर नीड फॉर सिक्योरिटी. अब सिक्योरिटी का आ गया कि जब आप सेंड करते हैं एक डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशंस तो इन बिटवीन एनी वन कैन एक्सट्रैक्ट द शेयरिंग फाइल्स, तो ये भी उसकी प्रॉब्लम है. इफ़ द सर्वर फेल्स ऑल द नेटवर्किंग आर अफेक्टेड. इसमें सपोज एक नेटवर्क है उसमें एक सिस्टम ऐसा है जो बाकी सारे सिस्टम को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो सपोज़ अगर वो इन बिटवीन सिस्टम आपका डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम हो जाती है तो आपके साथ कनेक्टेड सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे और फिर आप लोगों के पास कोई भी डाटा शेयरिंग नहीं होगी और आप लोग इस तरीके से लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं कर सकेंगे. द कास्ट ऑफ इंस्टॉलिंग द इक्विपमेंट इज़ ग्रेटर. तो ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट है आपके पास कि जब आप नेटवर्किंग आते हैं तो नो डाउट इन फ्यूचर के लिए तो चीपर हो जाती है बट इन सम केसेस जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं जब नया सेटअप लगा रहे होते हैं तो उस सेटअप में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपके पास. देख रहे हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स इज़ यू कैन से अ कॉस्टली फाइबर केबल्स और एज़ वेल एज़ कंपेयर ट्विस्ट जो आपके पास अदर केबल्स हैं नेटवर्किंग केबल्स वो दे आर यू कैन से ईजी एक्सेस फ्राम द bazaar or markets. These are the networking disadvantages. Let's discuss the type of the. जहाँ तक इसकी networking की types का जो है वो ताल्लुक है तो इसमें इसके तीन types लाई कर रही हैं. First one is LAN. LAN means local area network. But what it means? Local area networks when you want to build any computer networks in a specific building तो इज़ कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क. जैसे आपके पास स्कूल हैं कॉलेजेस हैं तो कॉलेजेस में आपके पास एक रूम उसमें मल्टीपल सिस्टम जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वो सारे सिस्टम जो हैं वो आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क कहलाते हैं. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मैन. मैन मीन्स मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क. मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क इज़ अनदर टाइप ऑफ नेटवर्किंग व्हेन यू वांट टू कनेक्ट अ सेम ऑर्गेनाइजेशंस इफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन हैव टू कैंपस विद इन अ सिटी विद इन अ सर्टन डिस्टेंस तो यू वांट टू कनेक्ट ईच अदर तो द पर्टिकुलर नेटवर्क यू कैन से या मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क्स. ठीक है जी. तो आपके पास 10, 15, 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे है तो आप उस बिल्डिंग को और अपनी मेन बिल्डिंग को जब कनेक्ट करेंगे उसके लिए जो मैकेनिज्म होगा उसको आप लोग मैन कहते हैं. वैन जस्ट लाइक इसके नेम से अपेयर है वाइड एरिया नेटवर्क्स. इफ़ यू वांट टू कनेक्ट द पर्टिकुलर स्कूल लैन networks with a publicly the particular network will be called as a wide area network. तो इसमें सारे के सारे सिस्टम जो हैं पूरी दुनिया के इसी तरीके से कनेक्टेड हैं तो उन सब सिस्टम को आप क्या कहेंगे जी वाइड एरिया नेटवर्क.